दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। क्या महिला के पेंटिंग बनाने के बाद उसका पति उसे घर से निकाल सकता है? जी हां, ऐसा ही एक मामला आया है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां एक मुस्लिम महिला को ससुराल वालों ने सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पेंटिंग बनाई थी। पत्नी को घर से निकालने के बाद बिना तलाक दिए पति दूसरी शादी करने के फिराक में था। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसे मारा पीटा गया। इस मामले में महिला ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। ये मामला है सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का। खबरों की माने तो मोहम्मद शमशेर खान ने अपनी बेटी परवीन की शादी बासारिकपुर गांव के निवासी हाजी सेराजून खान के पुत्र परवेज खान के साथ 26 नवंबर को की थी। नगमा अपने ससुराल में थी। इस दौरान नगमा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पेंटिंग बनाने लगी। आरोप है कि पेंटिंग पूरी होने पर उसने अपनी पेंटिंग पति परवेज को दिखाई, जिसके बाद गुस्साए पति ने ससुराल वालों के साथ मिलकर पत्नी को खूब मारा और पागल बताकर नगमा के पिता शमशेर के साथ उसे वापस घर भेज दिया। पिता ने जब ससुराल वालों से पूछताछ की तो ससुराल वालों ने नगमा को पागल बताया और सबूत के तौर पर मोदी और योगी की पेंटिंग दिखाई, जिसके बाद पिता उसे लेकर चले गए। बता दें कि इसी बीच नगमा को परवेज के जल्दी ही दूसरी शादी करने की बात की भनक भी लग गई, जिस पर वो दो दिन पहले ससुराल पहुंच गई, लेकिन ससुराल वालों ने उसे नहीं अपनाया और मारपीट कर फिर घर से निकाल दिया। ऐसे में नगमा के पिता ने और नगमा ने पुलिस को सारी बात बताई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि कार्रवाई नहीं होने से पीड़िता के परिजन तनाव में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पेंटिंग से ही क्या उसको घर से निकालना जायज है? इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक और शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को पल पल की अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कीजिए।